Okay Google, turn on the Xiaomi Smart TV X Pro. स्टार्ट हो गई, चलो इसका रिव्यू और करते हैं. ये है Xiaomi का स्मार्ट टीवी X43. जैसे कि आपको पता ही है, ओके गूगल हैंड्स फ्री माइक फार फील्ड माइक्स के साथ ये आता है. हैंड्स फ्री कंट्रोल आपको इसमें गूगल का मिल जाएगा. अमेजिंग रिमोट है, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, बढ़िया ऑडियो क्वालिटी है. और साइजेस की बात करें तो 50 इंच और 55 इंच के भी इसमें साइज आते हैं. 55 इंच का प्राइस थोड़ा सा 47,999 है, थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड 50 इंच वाले का प्राइस है 41,999 के आसपास. और 43 इंच वाला जो मॉडल हमारे पास है यहाँ पे, इसका प्राइस है 32,999. अगर आपको इनमें से कोई भी टीवी खरीदना है, यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनमें से किसी टीवी को खरीद सकते हैं. बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ. आई एम जस्ट टू एक्साइटेड फॉर दिस टीवी बिकॉज इसका डिज़ाइन बिल्कुल मेटल वाला है, मेटल स्टैंड है. एंड उन्होंने साफ साफ कह दिया भैया हम चार्ज ज़्यादा करेंगे. Xiaomi ने साफ साफ कह दिया कि हम चार्ज ज़्यादा करेंगे इस टीवी के लिए, बट विल गिव यू प्रीमियमनेस. फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ. तो सर, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ दैट वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है. इस वीडियो को बनाने में तो पर्टिकुलरली 26 आवर्स लगे हैं. तो एक लाइक कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा. इफ़ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब जस्ट डोंट, बट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में. आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी. तो ये रहा बॉक्स Xiaomi X Pro 43 इंच का. बॉक्स के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंडियाज नंबर वन स्मार्ट टीवी ब्रांड, जो आप देख पा रहे हैं Xiaomi. गूगल टीवी, पहला Xiaomi का टीवी जो कि गूगल टीवी की इंटीग्रेशन के साथ में आता है. Xiaomi स्मार्ट टीवी X Pro, विविड पिक्चर इंजन 2 मिल जाएगा इसमें आपको देखने को. 4K अल्ट्रा एचडी का पैनल है, डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट है, WCG वाइट कलर गैमुट है, प्रीमियम बेजललेस डिजाइन, पैच वॉल स्मार्ट टीवी सिस्टम इसमें आपको बिल्ट इन मिल जाता है. गूगल टीवी के साथ पैच वॉल का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. 30 वॉट के स्पीकर हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, ओके गूगल फार फील्ड माइक इसमें आपको इसमें मिल जाते हैं. मतलब अगर आप दूर से भी कहेंगे कि ओके गूगल टर्न ऑन द टीवी या फिर ओके गूगल प्ले समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, इट विल डू इट. ये है फ्रंट साइड, MI लिखा हुआ है, नीचे इसका साइज लिखा हुआ है 43 इंचेस. तो इसको फटाफट से खोल लेते हैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए. आप लोगों को सलाह देता हूँ, कभी भी अपना टीवी खुद ना खोलें. इंस्टॉलेशन वाला बंदा आपके घर आएगा, उसका वेट करें और वही खोल के जाएगा. अगर आप अपना टीवी फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी लें, अपने बॉक्स को चेक कर लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बाकी और कहीं से भी खरीदते हैं तो भी ओपन बॉक्स डिलीवरी तो आजकल हर जगह ही मिल रही है, तो चेक करना है टीवी कोई टूटा हुआ तो नहीं है. फिजिकल डैमेज चेक करना होता है आपको बेसिकली, तो अगर फिजिकल डैमेज बाद में निकला तो आपकी टीवी रिप्लेस नहीं होगी. अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इसकी पैकेजिंग कैसी है और क्या टीवी सुरक्षित रहेगा शिपिंग में, तो मैं कहूँगा हाँ, Xiaomi बहुत अच्छी पैकेजिंग करता है. डिस्प्ले के आगे भी एक कार्डबोर्ड लगा के देता है, इसमें भी शायद निकलेगा जहाँ तक है, और पैकिंग भी बहुत अच्छी कर देता है, स्टेपल्स वगैरह सब लगा के देते हैं. तो आप भरोसा कर सकते हो कि शिपिंग में ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको. ओके, तो ये बॉक्स खुल गया है, इसमें जो चीज़ें हैं फटाफट से आपको बताते हैं. सबसे पहले तो ऊपर ही एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या नहीं करना है इस बॉक्स के साथ में, कैसे कैसे टीवी को निकालना है वगैरह वगैरह, ताकि आप किसी भी सूरत में इसको डैमेज ना करें. इसको नीचे रख लेते हैं फिर निकालेंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बड़ा टीवी है, मैं भी नहीं चाहता ये डैमेज हो. सबसे पहले मिलेंगे आपको मेटालिक स्टैंड जो कि Xiaomi में कम ही देखने को मिलता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन बाकी सारा सामान पहले निकाल लेते हैं. ये मिल जाता है आपको यूज़र मैनुअल, रिमोट एंड एवरीथिंग जो कि काम आएगा, जो भी स्क्रूज वगैरह है. तो ये रहा टीवी. ऑब्वियसली ये टीवी काफ़ी भारी है, आई हैव टू से इट, बिकॉज ये टीवी मेटालिक डिज़ाइन में बनाया है उन्होंने, तो भारी तो होगा ही. इनकी मेटल डिज़ाइन के चक्कर में मेरा अच्छा खासा वर्कआउट हो गया. तो कार्डबोर्ड को इसको निकाल लेते हैं ताकि ये दिक्कत ना दे. वैसे भी छोटा कार्डबोर्ड है तो पूरी 43 इंच को कवर कर ही नहीं रहा है. इसके ऊपर ऑब्वियसली एक जो स्टिकर सा होता है वो निकालेंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं. बिकॉज इन्होंने बैक में पहली बार तो नहीं, आई थिंक एक बार और लगाया था OLED विजन में, यहाँ पर कार्बन फाइबर की फिनिश दी है. और बाय जस्ट टचिंग इट आई कैन फील द क्वालिटी. दिल्ली में यहाँ पे तो मेटल है नॉर्मल, बट जो सेंटर में है, लेट मी जस्ट जूम इन, ये आपको प्योर कार्बन फाइबर मिलता है जो कि
बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, आई हैव टू से इट। पोर्ट्स की बात करें तो आपको इसमें एक लैन पोर्ट मिल जाता है, एक बॉटम साइड में आरसीए पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद एक एंटीना का पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद आपको एक यूएसबी 2.0, एक एचडीएमआई, दो एचडीएमआई, तीन एचडीएमआई, तीनों ही एचडीएमआई यहाँ पे एचडीएमआई 2.1 को सपोर्ट करते हैं, बट 4K 120Hz नहीं, लो लेटेंसी के लिए। एक ईयरफोन जैक भी मिल जाता है, उसके बाद आपको एक और यूएसबी 2.0 मिल जाता है थोड़ा सा हाई पावर का हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के लिए। जो पावर कोड है वो डिटेचेबल नहीं है, शाओमी इफ यू आर लिसनिंग, एक डिटेचेबल पावर कोड देने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट बाद में रिपेयर में आपको बहुत फायदा होगा, तो प्लीज डिटेचेबल पावर कोड दिया करें। आपको मिल जाता है जो भी इनका पॉली बैग है, इसमें आपको बहुत सारा सामान मिलेगा, आपको तो नहीं, आपने थोड़ी खरीदी, मैंने खरीदी है मेरे को मिलेगा फिलहाल तो। अरे यार ये वाले बैग मुझे समझ में नहीं आते, जब उसमें जिपर है ही तो फिर क्या फायदा उसका। सबसे पहले मिलता है आपको एक टीवी सेफ्टी नोटिस एंड इंस्टॉलेशन गाइड कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज जो कि आपको काम आएंगे इसके स्टैंड को कसने में, बैटरीज तो एमआई सुधर गया है, आजकल क्वालिटी बैटरीज इंक्लूड कर देता है बॉक्स की पैकेजिंग में ही, और एक मिल जाता है रिमोट। रिमोट टिपिकल एमआई और रेडमी वाले जो आजकल रिमोट आ रहे हैं ड्रीम हॉट की इस कॉम्बो के साथ में वही है। आपको इसमें मिलेगा नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब का बटन, डबल माइनस करोगे तो म्यूट हो जाएगी आपकी टीवी, वॉल्यूम प्लस माइनस, बैक, पैच वॉल और गूगल टीवी को लगाने के लिए होम का बटन, डी पैड और भाई थोड़ा सा मतलब रबड़ी फीलिंग आ रही है बहुत प्यारी, गूगल असिस्टेंट और पावर का बटन। चलो फटाफट से इसका स्टैंड कसते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैंने टीवी का स्टैंड तो कस लिया है और देखें मैम आप बहुत मस्त है मेटल स्टैंड, डिज़ाइन बहुत सही है इस टीवी का, एंड द टीवी इज स्टेबल, थोड़ा सा भी इन नहीं रही, थोड़ा सा भी वॉबल नहीं कर रही है 1% भी। 43 इंच के टीवी ज़्यादातर वॉबल कर जाते हैं बट ये नहीं कर रही है, दिस इज द स्टेबल मोस्ट स्टेबल टीवी आई हैव एवर सीन इन 43 4K अगर मैं कहूँ तो। फटाफट से इसकी पील करते हैं, आपको वारंटी के बारे में बता देते हैं। आई होप आपको अनबॉक्सिंग का पार्ट अच्छा लगा होगा और अब इसका इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, पील वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वारंटी के बारे में बता देता हूँ कि 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए वारंटी मिलती है आपको इसमें, एंड 2 साल की पैनल पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो उसकी वारंटी मिलती है, बट यू कैन एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 4 ईयर्स। तो 1 साल की मिलती है, 4 साल की और होगी, तो 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत आई तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे मिलेगी? गो वारंटी के जरिए आप इसकी वारंटी 5 साल तक, मतलब टोटल 5 साल कर सकते हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी विल कम टू योर टेक्नीशियन, विजिट करवाएगा, टीवी को ठीक करवा के देगा, जेन्युइन पार्ट्स, ओरिजिनल सर्विस, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड और हाँ, ये सिर्फ टीवी के ही नहीं, एयर कंडीशनर, किचन अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज, सभी प्रोडक्ट्स की लगभग आपको वारंटी एक्सटेंड करके देते हैं। प्लीज़ इसे 100-200 रुपए वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना, अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी, अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी 30 वॉट के साउंड के साथ आती है। और यूजर इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, लेट्स हैव सम पील्स। तो यहाँ पर टीवी को स्टार्ट कर दिया है मैंने, स्विच से कनेक्ट किया, पावर बटन दबाया, सिंपल। एमआई का लोगो आ गया है, चूंकि ये गूगल टीवी है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, बिकॉज गूगल टीवी के साथ पहली बार एमआई ने टाई अप किया है और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं। एंड्रॉयड टीवी हो या गूगल टीवी हो, टीवी को सेटअप करने की 3 ही चीज़ें होती हैं कि आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है अपने टीवी, और उस गूगल टीवी है चूँकि एंड्रॉयड टीवी है तो आपको जीमेल आईडी या गूगल आईडी से लॉगिन करना है। तीसरी चीज़, आपको अपने रिमोट को ब्लूटूथ कनेक्शन से इसमें कनेक्ट करना
करना है ताकि आपको पॉइंट ना करना पड़े रिमोट हर बार टीवी की तरफ और ब्लूटूथ से पेयर हो जाए, आप कहीं से भी रूम में अपने ब्लूटूथ रिमोट से कोई कमांड देंगे तो वो टीवी की तरफ चली जाए। जैसा कि मैं बोल रहा था, सबसे पहले आपको रिमोट कनेक्ट करना है, पैच वॉल और होम के बटन को दबा के 3 सेकंड के लिए थोड़ी डिस्टेंस पर 4 सेकंड के लिए दबाना है और पेयरिंग मोड में आ जाएगा, उसके बाद भले छोड़ दीजिए। कनेक्टिंग एंड रिमोट इज़ कनेक्टेड वाया ब्लूटूथ एंड अब मुझे टीवी की तरफ पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है। आजकल गूगल टीवी बहुत ईजिली सेटअप हो जाती है, ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं लगती है। सेटअप गूगल टीवी करेंगे, चाहे तो बेसिक टीवी भी कर सकते हैं, बट मैं सेटअप गूगल टीवी करूँगा। बस दैट्स इट। अपने फ़ोन में गूगल होम का ऐप खोलिए, इसको स्कैन करिए और सारा काम आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। जीमेल आईडी से लॉगिन भी कर पाएंगे और वाईफाई से भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो फटाफट से इस टीवी को सेटअप कर लेते हैं, सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेते हैं, एमआई होम में भी लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर टीवी को सेटअप कर लिया है मैंने, सभी चीज़ों में लॉगिन भी कर दिया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको पैच वॉल प्लस भी मिलता है पैच वॉल के साथ साथ। तो पैच वॉल प्लस क्या है आपको बता दूँ, पैच वॉल प्लस कुल मिला के एक लाइव टीवी वाला सर्विस है जिसमें आपको कुछ चैनल्स सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आप इसमें डायरेक्टली लाइव देख सकते हो, जो कि आपको काम आ सकता है। कुछ चैनल्स आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे, विच इज़ गुड, आप देख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। वापस से होम स्क्रीन पर जाते हैं, उसके बाद आपको पैच वॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सारे ऐप्स ऑब्वियसली इसमें प्ले स्टोर है, इट्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 गूगल टीवी, तो काफ़ी सही, आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। जैसे ही आप पैच वॉल का बटन दबाते हैं रिमोट में, आपका पैच वॉल शुरू हो जाता है जिसमें होम, मूवी, शोज, म्यूजिक, लाइव स्पोर्ट्स और किड्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप होम का बटन दबाते हैं, ऊपर आपको मिलता है गूगल टीवी, सर्च फॉर यू, मूवीज़, टीवी शोज़, ऐप्स और लाइब्रेरी। तो एक्सपीरियंस दो दो हैं आपके पास, दो दो यूज़र इंटरफेस मिलते हैं बेसिकली। दिस टीवी हैज़ टू इंटरफेस, फर्स्ट यूज़र इंटरफेस इज़ पैच वॉल एंड सेकेंड इंटरफेस इज़ गूगल टीवी विच इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ ही आता है। माली का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है लेटेस्ट वाला, तो फ्लूडिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आधे घंटे से इस टीवी को यूज़ कर रहा हूँ यूज़ इंटरफेस के मामले में। थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट भी मैंने पीछे से किया, तो एवरीथिंग वाज ग्रेट, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। लेट्स टॉक अबाउट सम गुड फीचर्स अबाउट दिस टीवी। सबसे पहले तो इसमें आपको एम्बिएंट लाइट का सेंसर मिलता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। पिक्चर सेटिंग्स में जाकर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट डिटेक्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो लाइट जो टीवी की ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा ऑटोमेटिकली नहीं होगी और आपका डॉल्बी विजन आईक्यू भी नहीं चलेगा, बिकॉज डॉल्बी विजन आईक्यू नीड्स दिस सेंसर। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो डॉल्बी विजन आईक्यू भी चलेगा, लेकिन ग्लोबल लाइट को अगर आप ऑन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा एम्बिएंट लाइट का। तो याद रखना, इसको ऑन करना है, ग्लोबल लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। एडवांस वीडियो में आपको जाना नहीं है, बेसिक वीडियो में आपको जाके ब्राइटनेस वगैरह छेड़ सकते हो आप चाहो तो। वैसे मैंने विविड मोड पर सेट कर रखा है बिकॉज जहाँ तक मुझे मालूम है विविड पिक्चर इंजन 2.0 है जो शाओमी या रेडमी का, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देता है विविड मोड पर, ठीक है। बाकी आप साउंड में भी 2-3 चीज़ें हैं, वॉल्यूम लेवलर करके है कुछ, इसको भी सेट कर सकते हो। मैंने अभी इसको ऑफ रखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट द ऑडियो डायरेक्टली। इसमें 30 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर लगे हुए हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है ऑडियो वीडियो क्वालिटी में। ऑब्वियसली इट्स शुड गिव अ बेटर एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स कॉस्ट फ्रीकिंग 33,000 rupees फॉर अ 43-inch 4K टीवी। इस प्राइस में आपको 55-inch के क्यूलेट टीवी मिल जाते हैं बाकी कंपनियों में। ये 33,000 में 43-inch का टीवी दे रहे हैं वो भी 4K, तो इट्स शुड बी गुड। इसमें इट बेटर बी हैव सम अमेजिंग फीचर्स, बट हैं, सच में है। जैसे कि इसमें आपको हैंड्स फ्री गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मैं आपको बाद में यूज़ करके दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो दो चीज़ों का पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट होगा, सबसे पहले तो HDR या डॉल्बी विजन का कंटेंट चला के दिखाऊंगा और दूसरा एक मैं अपना इसमें USB मीडिया लगाया हूँ, उस USB मीडिया में कि क्या क्या मैंने हाई क्वालिटी की कुछ फुटेज डाली है उनको चला के दिखाएंगे, क्योंकि दो ही तरीके से आप इसमें कंटेंट देखने वाले हो। पहला तो आप ऑनलाइन देखोगे स्ट्रीमिंग करके, और दूसरा आप अपने हार्ड ड्राइव या फिर कुछ हाई बिटरेट का कंटेंट अपनी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या फिर ऐसी किसी चीज़ में लगा के देखोगे। तो फटाफट से वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द पिक्चर क्वालिटी टेस्ट, सेट हो रखी है विविड मोड पे और एम्बिएंट लाइट सेंसर ऑन है। काफी कलरफुल और ब्राइट दिख रहा है यार, इट्स लुक्स अमेजिंग। कूलर टोन्स आप देख पाएंगे, कॉन्ट्रास्ट का आइडिया ले पाएंगे, सैचुरेशन इज थोड़ी सी बिट मोर लग रही है, मेरे को तो बहुत पसंद आती है बिट मोर, थोड़ी सी अच्छी लगती है, थोड़ा सा लाइक रेड स्टोन्स, ब्लू स्टोन्स, बिकॉज मैंने विविड मोड पर सेट किया। अगर आप इसे स्टैंडर्ड पर कर देंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, बट मुझे तो यही पसंद आता है। आप देखेंगे ह्यूमन स्पेस स्किन टोन पर थोड़ी सी ना रेडिश रेडिश आता है, थोड़ा सा जितना चाहिए होता है सिर्फ उतना, मज़ा आ गया यार।
यार, इनकी ब्लैक्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब एकदम ओलेड वाले तो नहीं लेकिन काफ़ी सही ब्लैक्स हैं। आप देखो फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा में काफ़ी साफ दिख रहा है, बिल्कुल लगभग जैसा दिखना चाहिए, साइड वाले कैमरा में शायद थोड़ा सा अलग दिख रहा हो मालूम नहीं। डिटेल्स देखने की कोशिश कीजिए सीन में, और जो लाइट सेंसर है ना वो काफ़ी हद तक काम कर रहा है, बिकॉज द सीन इज़ नॉट लाइक ज़्यादा ब्राइट होके मेरे चेहरे पे एकदम लाइट नहीं फेंक के दे रहा है। डॉल्बी विजन में दो तरीके होते हैं, जब ऑब्वियसली डॉल्बी विजन नहीं चल रहा है, बट फिर भी एमिड लाइन सेंसर से ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट होकर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको डॉल्बी विजन आई क्यू में भी। ग्रीन्स, कलर्स, सैचुरेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई थिंक आई हैव टू से दैट 9.9 और 10, आई थिंक 10, इट शुड गेट अ 10 आउट ऑफ 10 इन पिक्चर क्वालिटी इन एनी 43 इंच 4K टीवी अंडर 40,000 रुपीज़, क्योंकि 40,000 में एक और टीवी है सोनी X74 के, उसके लेवल की पिक्चर क्वालिटी में मुझे देखने को लग रहा है। देखो जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, छूट मिलने वाली बात है नहीं। क्यूलेट वाली बात अलग है, फिर वो 40,000 से ऊपर चली जाएंगी, लेकिन 40,000 रुपये से या 35,000 रुपये से नीचे की टीवी बात करोगे, बिल्डिंग इन कंपेरिजन के बिना खत्म तो होगा नहीं हमारा। आप देखिए बिल्कुल डिटेल्स दिख रही हैं, लाइट्स दिख रही हैं, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट, डीपेस्ट ब्लैक और ब्राइटेस्ट व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, मस्त है। 10 out of 10 कहूँगा मैं तो पिक्चर क्वालिटी में इस रेंज में, वेल किसी भी रेंज में अप टू 40 or 45,000 रुपीज़ किसी भी को पछाड़ देगा पिक्चर क्वालिटी में। लेट्स टॉक HDR। मैं बताऊं दूं आपको, उसमें 2GB रैम मिलती है तो नेटफ्लिक्स दबाते ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखो स्टार्ट हो गया क्योंकि रैम में था, मैंने एक बार स्टार्ट किया हुआ है ना तो तुरंत खुल जाना चाहिए, प्राइम वीडियो भी तुरंत खुलना चाहिए, क्योंकि वो सब भी मैंने इसमें रैम में, मतलब अभी जब खोल के देखे एक बार लॉगिन किया था तो मैंने टीवी तब से ऑफ तो की नहीं है, तो तुरंत ही खुलना चाहिए थे। ठीक है, 5-7 सेकंड में आप नेटफ्लिक्स ब्राउजिंग स्क्रीन पर आ जाओगे और देख पाओगे कि कहाँ से क्या है। ओके, तो लेट्स प्ले समथिंग इन डॉल्बी विजन में जो अवेलेबल हो। ओके, ऊपर तो अभी अल्ट्रा HD 4K HDR ही लिखा आ रहा है चीज़ों में। लेट्स सर्च फॉर डॉल्बी विजन लोगो। ओके, द नाइट एजेंट इज अवेलेबल इन डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस एंड एवरीथिंग, जो भी आपको ऊपर लोगोज देख रहे हैं। इसको प्ले करते हैं और एम्बिएंट लाइट सेंसर हमारा यूज़ होगा, आपका थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। लेट्स प्ले दिस एंड प्लीज डोंट गिव अस अ कॉपीराइट स्ट्राइक, इट्स जस्ट अ डेमो फॉर द टीवी। We'll seek forward ahead. जल्दी से. Oh my God. It's looks amazing, भाई. It's looks amazing. कुछ ब्राइट सीन पे आते हैं, डार्क सीन्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी ना आप इसमें आराम से देख पा रहे हो और अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है अब तक तो। लेट्स प्ले समथिंग एल्स, आई थिंक इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहे क्योंकि हॉलीवुड सीन है, अपने एक ही दो बार देखा है इसमें कुछ ना। मे बी लेट्स प्ले प्लान बी। ओके, प्लान बी भी डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस में सपोर्ट दिखा रहा है, ऊपर लोगो आ रहा है डॉल्बी विजन का, इस साइड आपको लोगो भी दिख जाएगा। तो ये काफ़ी ब्राइट मूवी है, अपनी इंडियन मूवी है, आपको और मुझे भी काफ़ी आइडिया लगने वाला है कि हाउ द पिक्चर क्वालिटी इन HDR एंड डॉल्बी विजन। हो माय गॉड, इट्स लुक्स ऑसम। इट इज़ इन 4K एंड टेंशन मतलब मेरा नेट बहुत अच्छा है, 300 Mbps एंड ऑल, बढ़िया ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग, कलर टोन्स बिल्कुल भी मैसअप नहीं हो रहे हैं। आई विल टोटली वॉच एवरीथिंग इन दिस मैन। अगर 43 इंच में मुझे चाहिए होगा, LM के सपोर्ट के साथ ही आता है, तो आप अगर अपना PC वगैरह भी कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सही एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेटिंग्स में पिक्चर क्वालिटी में तो 10 out of 10 है, इससे ज़्यादा बेटर आप नहीं ले पाओगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। ओके, एक चीज़ मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा, सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो चैनल्स एंड इनपुट्स में जाके, आप जब इनपुट्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है HDMI मोड करके। इस सेटिंग का मतलब बेसिकली ये है कि HDMI 1, HDMI 2 और HDMI 3 को आप किस मोड पर सेट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई PC कनेक्ट किया है या फिर PlayStation कनेक्ट किया है एंड यू वांट लो लेटेंसी इन दैट HDMI सिग्नल, तो आप इसको जानबूझ कर जाके HDMI को 2.1 पर सेट कर सकते हैं, विच विल बी अमेजिंग फॉर एवरीथिंग। आप चाहें तो अगर HDMI 2.0 का ही लगाना चाहते हैं, थोड़ी सी लेस पावर यूज़ हो या फिर ज़्यादा प्रोसेसर को मेहनत ना करनी पड़े, तो आप HDMI 2.1 या फिर आप सिर्फ सेट टॉप बॉक्स ही चलाना चाहते हैं। 4K 30 इज़ द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ अ सेट टॉप बॉक्स इन दीज सिचुएशंस, तो आप 4K 30 सेट कर सकते हो, तो ये सेटिंग वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, TV ऑटो पावर ऑन व्हेन HDMI डिवाइसेस कनेक्टेड, ये लगभग सभी मिल जाता है बट इसमें भी है और अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑटो स्लीप वगैरह भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वीडियो क्वालिटी इज़ परफेक्ट, 10 out of 10, आई थिंक 9.9 out of 10, एक आध पॉइंट मैं कहीं काटूंगा क्योंकि फॉर माई लाइकिंग द ब्राइटनेस इज़ अ लिटिल बिट लो, तो आई थिंक जो
सब कुछ चल रहा है, उसका कुछ सेटिंग ऑप्शन होना चाहिए था। बस यार देखो नेट पिकिंग करना तो हमारा काम है ना, तो 9.9 ही दूंगा और आई हैव माई रीजन्स फॉर 0.1 मार्क्स जो मैंने काटा है, यहाँ बता दूंगा तो आप रिव्यू में क्यों आओगे देखने के लिए। ठीक है, तो अभी फटाफट से इसमें ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि ऑडियो क्वालिटी इसमें कैसी है। 30 वॉट के डाउनफॉरिंग स्पीकर इसमें दिए गए हैं, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही होना चाहिए क्योंकि 43 इंच टीवी बड़ा होता है और 30 वॉट के स्पीकर काफ़ी होते हैं यार। लेट्स प्ले दिस, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट भी ये करता है बाय द वे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं और सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, तो आपको ये चीज़ पता होगा जब भी मैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में एक रिव्यू देता हूँ किसी रिव्यू के बारे में, तो मैं बेस वर्ड को इतना यूज़ नहीं करता, पर यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज 30 वॉट का स्पीकर है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्यून्ड है। जब मैंने गाने चलाए, बीट वाले गाने चलाए, दूसरा जो पैराडाइज वाला गाना था वो काफ़ी बीट्स वाला सॉन्ग था, हैवी बीट्स थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला मुझे उसमें, एंड आई लव्ड इट। 90-95 तक भी आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं हुई, 95 के बाद मेरे को ऐसा कुछ खास तो डिस्टॉर्शन नहीं लगा, बट हाँ थोड़ा बहुत फील हुआ, हल्का सा, बहुत कम। और शांत वाला जो गाना पहले चला था टॉर्च वाला, वो भी काफ़ी सही चल रहा था। म्यूज़िक लवर्स के लिए ये जन्नत है, मज़ा आ जाएगा। ऑब्वियसली इसमें आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है, मेरा कास्ट का भी सपोर्ट है, तो आप अपने लैपटॉप, पीसी, मैक या फिर किसी भी चीज़ को आप इसमें कास्ट कर सकते हो ईजिली। ऑब्वियसली क्रोमकास्ट को तो कर ही सकते हो, और क्रोमकास्ट में भी आपको इसमें सेटिंग मिलती है। मैंने एक सेटिंग देखी अजीब सी कि आप कास्टिंग में सेट कर सकते हो कि क्या आप कास्टिंग वाले डिवाइस को क्या क्या परमिशंस देना चाहते हो बेसिकली। जैसे कि इसमें आप यहाँ पे आओगे तो कास्ट में आप परमिशन दे सकते हो कि ऑलवेज वाइल कास्टिंग और नेवर, ये थोड़ा और भी पुराने डिवाइस में भी दे सकते थे लेकिन दो ही परमिशन होती थी, यहाँ पे तीन आई थिंक, कि नेवर हमें करना ही नहीं है, ऑलवेज और वाइल कास्टिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग दिस टीवी। इसमें ऑब्वियसली चाइल्ड लॉक वाला फीचर भी है, पेरेंटल कंट्रोल वाला, कि आप जब तक पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया आपने तो जब तक बच्चा टीवी चला रहा है वो बाहर नहीं आ सकता जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे। तो एवरीथिंग इज़ अमेजिंग इन दिस टीवी। ऑब्वियसली इट बेटर भी, 33,000 रुपीज़ लिया उन्होंने, इट शुड बी गुड। डिज़ाइन की बात करूँगा, बेजरलेस डिज़ाइन है। व्यूइंग एंगल्स की बात करोगे तो आप साइड एंगल कैमरा से देख रहे हो, एवरीथिंग इज़ गुड और बिल्कुल भी समस्या नहीं है। 10 out of 10 इन एवरीथिंग। ऑब्वियसली दे हैव मेड अ टीवी प्रो, नाम से बोलना है कि भैया दिस इज़ द बेस्ट टीवी इन 43 इंच 4K दे आर ऑफरिंग, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टीवी इन 43 इंच 4K एनीवन इन ऑफरिंग अंडर 40K। आई थिंक सोनी X74 को भी पछाड़ देगी यार, ओवरऑल डिज़ाइन विजाइन, पैचोल, गूगल टीवी सब कुछ मिला के, तो बहुत सब कुछ मस्त है। हैंड्स फ्री का भी कंट्रोल मिल जाता है, जिसका मैं डेमो आपको बाद में दे दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मज़ेदार है। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। तो देयर आर सम फीचर्स दोस्तों जो इसमें काफ़ी नए हैं और मैंने पहली बार देखे थे। ऑडियो में इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और वीडियो क्वालिटी में भी बहुत ही। ऑडियो में बेस पहली बार मुझे किसी टीवी के 30 वॉट के स्पीकर में सुनाई दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी जो पिछले साल 30 वॉट के स्पीकर शॉमी यूज़ कर रहा था उनसे तो बेटर ही है। वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी सही इन्होंने बताई है और फील भी हुई, कलर्स काफ़ी पॉपी हैं। फॉर अ नॉर्मल पर्सन आई थिंक स्टैंडर्ड विल बी सफिशियंट फॉर कलर्स, बट अगर आप ज़्यादा पॉपी कलर्स देखना चाहते हो मेरी तरह, लाइक पॉप करने चाहिए कलर, वो विविड मोड पर रखें। HDR का एक्सपीरियंस बहुत सही था, 9.9 पॉइंट्स मिलेंगे इसको वीडियो में। 1.1 मैंने इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि जो एमिड लाइन सेंसर है ना उसकी, वो अपने आप डिसाइड करता है
उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहता हूँ, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं 50-50 की जगह 60% ब्राइटनेस रखना चाहता हूँ मान लो इसी अंधेरे के कमरे में, तो वो नहीं करके देगा, वो अपने आप करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। हमें थोड़ा सा मैनुअलनेस उसमें जोड़नी चाहिए, बस उस वजह से मैं थोड़ा सा 0.1 काटता हूँ। बाकी मस्त है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं। ओके, गूगल वाला फीचर भी बहुत मस्त है। एमआई होम का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है, बता दूं पेचोल में जाके यूजर सेंटर में जाके एमआई होम में लॉगिन करेंगे तो एमआई के सारे डिवाइसेस इसमें आपको मिल जाएंगे। आप अपना कैमरा चेकआउट कर सकते हो, अपने एयर प्यूरीफायर को ऑन कर सकते हो, अपने एयर फ्रायर को भी ऑन कर सकते हो, इसी में सब कुछ इसी में है, ये सारी खूबियाँ इसी टीवी में है। तो फटाफट से आप चेकआउट कर लेना, उन सब चीज़ों को भी मैं से बता दिया सब कुछ, मुझे तो बहुत पसंद आई। इट्स जस्ट अ ह्यूज ह्यूज थम्स अप फॉर दिस टीवी। इफ यू वांट टू बाई इट जस्ट गो फॉर इट। 33,000 रुपए में 43 इंच का 4K, इससे बेहतर टीवी नामुमकिन है मिलना मेरे हिसाब से, इस प्राइस में नहीं मिलेगा। मस्त डिजाइन है, मेटल स्टैंड, मेटल्स ये सब कुछ, और हाँ बेजल्स भी बहुत कम है, बिल्कुल लाइक आई थिंक दिस इज लाइक 0.4 mm या 0.3 mm कहूँगा मैं, ऊपर नीचे साइड से, बॉटम में तो है ही नहीं, बॉटम में तो बिल्कुल बेजल नहीं है, बस ये है अपना जो लिड सी होती है। और जो माइक है ना उसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो अगर आप चाहो कि भैया हमें नहीं चलवाना, तो रेड हो जाएगा वहाँ पे और आपकी प्रॉब्लम समाप्त, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भैया हमारी पर्सनल चीज़ें सुन रहे गूगल ऐसा कुछ, अगर आपको थोड़ा सा भी प्राइवेसी कंसर्न है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आई होप इस वीडियो को आप लाइक कर दें। थैंक यू, और वीडियोस देख लेना। रेडमी 5T की अनबॉक्सिंग हमने जल्दी पुराने दिनों में कुछ करी थी, उसको देख लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।